कांदिवली। ये जगह से ख्याल आता है सालों पुरानी लोकैलिटी, गुजराती लोग और उनका मन पसंदीदा खाना, और उनके खाने से याद आया ढोकला, जलेबी, फाफड़ा और बहुत कुछ, जो आज हमें कांदिवली की गलियों में खींच लाया है। बरसात नो महीनो अने गरम गरम गुजराती नाश्तो नीचे मजा हो ये तो आपने गुजराती जा समझी सके ने, और इसलिए मैं पहुंची हूँ मुंबई के कांदिवली एरिया में टू एक्सप्लोर सम ऑफ द वेल नोन ब्रेकफास्ट स्पॉट इन दिस एपिसोड ऑफ तेरे गली में। कांदिवली बोस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ गुजराती रेसिडेंट्स जो अपने खाने के बहुत ही शौकीन हैं, और कांदिवली का महावीर नगर एक ऐसी जगह है जो अपने बाकी रेस्टोरेंट्स के अलावा गुजराती खाने के लिए बहुत ही फेमस है। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं कांदिवली लेजेंडरी राजू भाई ढोकला वाला से। पहुंची हूँ राजू भाई ढोकला, जो अपने ढोकले और खांडवी के लिए बहुत ही मशहूर है। ये एमजी रोड पे लोकेटेड है, इट्स अ 20 ईयर ओल्ड जॉइंट, और यहाँ पे 20 से भी डिफरेंट वैरायटीज के ढोकले मिलते हैं। लेट्स ट्राई इट आउट। सादा ढोकला तो हम शायद सबने ट्राई किया होगा, सो राजू भाई ढोकला वाला, आई एम गोना फर्स्ट ट्राई द पिज्जा ढोकला एंड द मेयोनीज ढोकला। हम गुजराती ना सब में इनोवेशन ट्राई कर सकते हैं। लेट मी टेस्ट इट। ढोकला बहुत ही सॉफ्ट है, और उसके ऊपर जो पिज्जा सॉस और चीज की फिलिंग की गई है जस्ट गिव्स अ वेरी डिफरेंट टेस्ट। द मेयोनीज ढोकला इज रियली नाइस। मैंने कभी सोचा नहीं होगा कि एक ढोकले के अंदर इतने सारे फ्यूजन फ्लेवर्स होंगे। वाओ, राजू भाई ढोकला वाला इज टोटली लिविंग अप टू इट्स नेम, बिकॉज कहा जाता है कि यहाँ पे जो आपको ढोकले मिलेंगे वो आपको पूरे शहर में कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, एंड दे आर जेन्युइनली रियली नाइस। आज बहुत जोरों शोरों से बारिश हो रही है यहाँ पे, सो वी नॉट एबल टू कवर अ लॉट ऑफ आउटसाइड प्लेसेस, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट। गरम गरम ढोकले के बाद बारी आती है जलेबी और गाठिया की, और इसलिए मैं पहुंची हूँ महावीर नगर के मुंबादेवी जलेबी वालों के पास, विच हैज़ बीन रनिंग सिंस 1897, और ये अपनी जलेबी और गाठिया के लिए बहुत ही मशहूर है। तो चलिए अपने थोड़ा मोड़ू मीठू करिए। गरम गरम जलेबी, गाठिया, पपीते की चटनी एंड ग्रीन चिली इज जस्ट अ परफेक्ट गुजराती स्नैक। ये जलेबी शुद्ध देसी घी में बनी है और बहुत ही बढ़िया है। अब बारी आती है गोपाल के लोचो की, तो आप सोच रहे होंगे कि ये लोचो का लोचा क्या है। बेसिकली लोचो चने के दाल के पेस्ट को स्टीम करके बनाया जाता है, और उसके ऊपर डाली जाती है बहुत सारी टॉपिंग। मैंने मंगाया है लसनिया लोचो, जिसके ऊपर डाली जाती है गार्लिक की चटनी, चीज, सेव, जो हरी धनिया की चटनी के साथ सर्व की जाती है। दिस इज एक्चुअली डेफिनेटली वन ऑफ माय फेवरेट गुजराती स्नैक्स, बिकॉज गार्लिक, चीज, चटनी और चने के दाल का कंबाइंड टेस्ट इज जस्ट टू गुड। सो फॉर ऑल दोस पीपल हु डोंट लाइक स्वीट गुजराती फूड, वेल दिस इज योर बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, लोचो के बाद बारी आती है मजेदार पात्रा और फाफड़ा की। एक प्लेट पात्रा और फाफड़ा। सो आप जस्ट कम अ लिटिल अहेड एट श्री राम स्वीट्स एंड फरसान। ये कांदिवली का एक बहुत ही पुराना और मशहूर जॉइंट है सिंस द पास्ट 1994, एंड यू गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स ओवर हियर फ्रॉम स्वीट्स टू फरसान, एंड एवरीथिंग इज वेरी फेमस। सो आई एम गोना ट्राई द पात्रा एंड द फाफड़ा हियर। बारिश के मौसम में ऐसा बढ़िया पात्रा मिले तो क्या बात। अब बारी आती है ट्राई करने की कांदिवली की मशहूर कचोरियाँ।
કચોરી બી બહુ સરસ આવે, સમોસા સરસ આવે, વડા છે, ખમણ ઢોકળા, ખાંડવી અને અમારી ખાટલી તો બહુ સરસ આવે છે. પહોંચી હું કાંદવલી કે મશહૂર મહાવીર મુરલીધર ફરસાન શોપ પે. દિસ ઇઝ અ 90 યર ઓલ્ડ પ્લેસ ઓર મેં યહાં પે ટ્રાય કરને વાલી હું ઉનકી ગરમા ગરમ કચોરિયાં. ગરમા ગરમ કચોરિયાં મીઠી ચટની ઓર ડ્રાઈડ ગાર્લિક ચટની કે સાથ સર્વ કી જાતી હૈ. સો લેટ્સ The meaty and dry chutney gives this kachori a great, great balance and it's really light and the oil is also soaked up really well. ગુજરાતી લોકો ખાતરદારી કી તો દાદ દેની પડેગી. હમ આય તો થે યહાં સિર્ફ કચોરિયા ખાને, બટ ધ ઓનર ઇન્સિસ્ટેડ ધેટ વી મસ્ટ ટ્રાય ધ સમોસા, ફરસાન એન્ડ ધ સ્વીટ બુંદી. બારિશ કા મોસમ હો ઓર ગરમા ગરમ ભજિયા ના હો, ક્યા એસા હો સકતા હૈ? મેરા લાસ્ટ સ્ટોપ હૈ તીબો દાલ વડા, જો અપને અહેમદાબાદી દાલ વડે કે લિયે બહોત હી મશહૂર હૈ. સો લેટ્સ ટ્રાય. ઇસમે અદરક ઓર ગ્રીન ચિલીઝ કા એક બહોત હી અચ્છા કોમ્બિનેશન હૈ, બહોત સ્પાઇસી ભી નહીં હૈ. આઈ રિયલી લવ ઇટ. બિગ થમ્સ અપ. સો યે થા હમારા સફર ઇન કાંદવલી. આઈ હોપ યુ એન્જોયડ વોચિંગ ધીસ ગુજરાતી બ્રેકફાસ્ટ ટ્રેલ. ઇફ યુ લાઈક વોચિંગ ધીસ વિડીયો ધેન પ્લીઝ ડુ લાઈક, શેર, ફોલો એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ ટુ કરી ટેસ્ટ. આપણે પાછા ચોક્કસ મળશું.